क्रियात्मक आज एक बहुत ही मतलब जैसा कि बहुत पहले मैं कह चुका हूँ, सब एक अपने क्रम सब चल रहा है। और ये हमारे यहाँ एक बहुत लोगों में गलत धारणा होती है कि जो चीज़ें सस्ती होती है और उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और बहुत महंगी महंगी चीज़ों को खाते पीते हैं और वो तमाम रोग के शिकार हो जाते हैं। तो इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि जो बहुत सी चीज़ें, जैसे कि अब जाड़े का मौसम चल रहा है और बहुत तरह के ऐसे फल जो होते तो सस्ते हैं लेकिन स्वास्थ्य के लिए इतने लाभप्रद होते हैं कि जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। जैसे आज मैं अपना विचार आपके समक्ष वो अमरूद, जिसको कि जाम फल कहा जाता है और इसको संस्कृत में अमृत फल भी कहते हैं, होता तो ये बहुत सस्ता है और सब जगह अवेलेबल भी है और उस अमरूद तो 12 महीने मिलते हैं, कुछ ऐसी वेरायटी होती है और इस समय तो 3-4-5 महीने तो काफ़ी अवेलेबल रहता है। तो इससे बहुत से ये इतना फायदेमंद है, इससे बहुत सी बीमारियां, वो अगर कोई नित्य सुबह अगर वो अमृत खाता है खाली पेट तो उसको बहुत सारी बीमारियां, जैसे उसका उसके अंदर वो रक्त विकार दूर होगा, अगर खांसी तो खांसी दूर हो जाएगी और कोई और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो ऐसे रोग है तो उससे उसका समाधान उसका मिल जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि अगर किसी को सूखी खांसी है और एक दो अमरूद अगर खा लिया तो उसी का खांसी को कफ में वो कफ फार्म ढीला हो जाता है और वो खांसी कफ निकल जाता है और खांसी दूर हो जाती है। और अगर किसी के अंदर कोई बहुत अगर पागलपन है और बहुत उत्तेजना है, उसका मस्तिष्क बहुत हमेशा ज़्यादा क्रोध में जाता है और वो अशांत रहता है और उसको बहुत तरह का भ्रम रहता है और पागलपन का उत्तेजना ये सब बातें होती है, तो वो अगर अमृत को सुबह एक दो अमृत खा लेता है तो उससे उसके अंदर शांति आएगी और अब चेहरे कांति बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, उसकी उसके उसके बुद्धि का विकास होगा और बहुत तरह के इसके लाभ होंगे। और अगर किसी के अंदर किसी बहुत ज़्यादा कोई बहुत काम वासना और ये जन किसी ऐसे प्रॉब्लम से ग्रसित है तो उसकी ये बीमारी भी इससे दूर हो जाएगी और रक्त के विकार भी दूर हो जाएगा। जो कब्ज की शिकायत रहती है, अगर अमरूद का सेवन करता है खाली पेट तो उससे कब्ज का वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, यहाँ तक कि अतिसार जैसे भयंकर प्रॉब्लम को भी ये सही कर सकता है। और अगर भोजन के बाद अगर भी 1-2 घंटे के बाद ही हम खाते हैं अमृत खाया जाता है तो वो बहुत फायदेमंद होता है, खाली पेट भी खा सकते हैं, भोजन के 2 घंटे बाद भी खा सकते हैं। और अगर बच्चों को जैसे गुदा भ्रंश से जिसको गाँव में कांच बीमारी कहते हैं तो अगर ऐसा है तो उसके उस मल द्वार पर गुदा द्वार पर अगर उसका वो बना कर लुगदी और उसको लगाया जाता है तो उसका प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाता है। बच्चों में बहुत तरह की बीमारियां होती, कृमि वगैरह, ये सब का भी इस समय समाधान हो जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अमृत है तो बहुत मैंने सस्ता और इजिली अवेलेबल भी है लेकिन उसको लोग ध्यान न दे करके और महंगी महंगी चीज़ों में लगे रहते हैं, जबकि एक अमरूद की बराबरी कई सेब मिलकर नहीं कर सकते हैं, कई एक सेब मिलकर के एक अमरूद की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो अमरूद का सेवन हर तरह से लाभप्रद है और ये चेहरे की कांति बढ़ाता है, पेट की सारी बीमारियां दूर होती है और अगर उसके अंदर कोई रक्त विकार है तो भी दूर हो जाता है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात इसकी खासियत यह है कि अगर कुछ कुछ जुकाम हुआ है और थोड़ा सा उसको वो उसके गुदा को निकाल करके और गिलास पे रख करके अब गुनगुना पानी से पी लेता है और लेकिन वो नाक से सांस ले कर मुंह से सांस ले उस समय तो वो उसके नाक जो जब वो नाक बहना शुरू हो जाता है और इसलिए उसका वो जब नाक झड़ जाता है तो उससे उसको जुकाम में आराम मिलता है, थोड़ा सा गुड़ खा के रात में सो जाए और फिर जुकाम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और इस तरह से अगर वो देखा जाए तो इसके बीज को अगर हम सुखा करके उसको पीस करके शहद से चाटते हैं तो उससे वो खांसी वगैरह ये दूर हो जाएगा। अगर किसी को सर दर्द वगैरह है तो उसमें भी इसका बहुत लाभ है। इस तरह से अगर देखा जाए तो अमृत जिसको जामफल कहा जाता है, जिसको अमृत भी कहते हैं, जामफल भी कहते हैं, संस्कृत में इसको अमृत फल कहते हैं, वाकई में अमृत की तरह काम भी करता है। इस तरह से बहुत सारे वो ऐसे फल हैं, हम हर फल को एक साथ अगर लाएंगे बोलेंगे तो बातें वो उसमें वो मैंने वो हर बात आप नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए मैंने एक एक फल को अब जैसे पहले वो बताया था गाजर के बारे में, फिर आज आपको अमरूद के बारे में बता रहा है, तो इस तरह से और भी फलों के बारे में करके बताएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये सस्ता है और
और हम इसको सस्ता समझ के इसका इसकी अवहेलना न करें। अगर वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, अगर इसको समय से वो खाता है और खाली पेट खा सकते हैं हम, खाली पेट भी फायदा करता है, और अगर भोजन के एक आध घंटे दो घंटे बाद खाते तो भी वो भी फायदा करेगा, और इस तरह से बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं और सस्ते में अपने स्वास्थ्य को सुंदर रख सकते हैं। ये शक्तिवर्धक भी है और आपके इसका आपकी बुद्धि का भी विकास करेगा। और जो सबसे बड़ी समस्या है, जो आजकल लोग बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, पागलपंथी का दौर जिससे चढ़ा रहता है और बहुत उत्तेजित रहते हैं, और तो इसको कंट्रोल करता है। अगर कोई जलन बॉडी में है तो अगर इसको सेवन करता है तो जलन वगैरह सब खत्म हो जाता है, और ये जो सर दर्द होते हैं उसका अगर लेप लगाया जाए तो वो काफ़ी ठंडी और काफ़ी आराम राहत महसूस होता है। तो बहुत सारी बीमारियों के इतने अनेक अनेक बीमारियों से दूर जा हो सकती हैं, बस अतः कि हम नियमित रूप से एक दो अमरूद वो सुबह खाएं, वो दोपहर के समय भी खा सकते हैं, भोजन उपरांत दोपहर के समय भी ले सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही अमृत फल कहा जाता है, तो अमृत फल है ये, और इसकी उपयोगिता को शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, ये हर तरह से लाभप्रद है। आगे में और भी बहुत से वो और भी जो चीज़ें हैं और जो फल फूल हैं उनके बारे में भी बोलूँगा, और ये अमृत को लेकिन आप ना जल्दाज मत करिए, इसको जितना भी आप खाएंगे सेवन करेंगे, बच्चों को खिलाएंगे, परिवार में सबका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और बहुत सी बीमारियों से आप बचेंगे। अगर किसी के अंदर वो हाई ब्लड प्रेशर है वो भी ठीक हो जाएगा, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो वो भी ठीक हो जाएगा, और पेट संबंधी तमाम बीमारियाँ से दूर हो जाएंगी, और अनेक अनेक से लाभ है। आगे मैं बहुत सी चीज़ों का आगे बहुत सी चीज़ें आपके सामने लाऊंगा। आज इतना ही, धन्यवाद।